आप NS200BS6 2022-23 का मॉडल ले रहे हो तो बिल्कुल रेकमेंडेड है, ये वीडियो देख के ही लेना, नहीं तो बाद में पछतावा करके कोई फायदा है नहीं। ये ना हाँ, चौधरी मंगना भोसड़ी के दिन में ही दारू पी के रहते। बाबा नया दिन नई शुरुआत, नई कहानी और नया सीक। वेलकम टू माइंड योर चैनल अडहोलिक ब्लॉग्स। काफ़ी दिनों के बाद मोटर ब्लॉग चालू है। एक्चुअली कल ही वीडियो शूट होने वाला था पर कुछ कारणों की वजह से हो नहीं पाया। वो कारणों में से एक खास कारण है ऑब्वियसली लेट होना। कल ही वॉशिंग किया, करवाया गाड़ी का, वॉशिंग करवा के फिर चेन लूप वो सब करवाया क्या है, चेन लूप तो मैं ही मारा, कौन सा तो कंपनी का चेन लूप था पता नहीं। तो चेन लूप जो मिला आप सही है बोल के गड़बड़ी में चेन लूप मारा, सोचा निकलते हैं, निकलते निकलते यहाँ से बज रहा था 6। मैं बोला अब 6 बजे निकलूँगा, मैं खेत को पहुँचूँगा कब, वही खेत के तरफ जा रहा था, थोड़ा काम भी था और वीडियो जो है वो भी बन जाता था, तो इसीलिए वैसा कुछ सीन था पर वो हो नहीं पाया। आज निकलने वाले, आज भी सुबह निकलने का प्लान था, सुबह का भी स्कैम हुआ। कल रात को अचानक पानीपुरी वो क्या खाया पता नहीं, तबीयत अचानक से ख़राब हो गया। फिर आज शाम को निकला, अभी भी देखो टाइम कितना हो रहा है, इट्स ऑलरेडी 5:40 और 6:25 को जो है सनसेट हो जाते हैं। बाबा आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल टॉपिक है, एक सब्सक्राइबर का ही वीडियो है समझो। मेरे को पता नहीं था इसे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं नए वाले NS200 में। बाकी एक सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि भाई थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स जो है फेस कर रहा हूँ मैं, अगर नया NS200 लिया तो वो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो सारे प्रॉब्लम्स जो है उसने लिस्ट किया और मेरे को भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स जो है पता थे, तो उसके हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो वही है, आप NS200BS6 2022-23 का मॉडल ले रहे हो तो बिल्कुल रेकमेंडेड है, ये वीडियो देख के ही लेना, नहीं तो बाद में पछतावा करके कोई फ़ायदा है नहीं। थोड़ा जो है रैश राइडिंग करना पड़ सकता है। वैसे तो मैं रास्ते में पहुंचने तक वीडियो बन ही जाएगा, ऐसा कोई सेल्फ मतलब अपना चेहरा दिखा के ब्लॉग करने का ऐसा कोई आवश्यकता है नहीं, पर फिर भी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू ब्लॉग इन माई खेत। इधर आके भी बाबा मेरे को अच्छा खासा 20 दिन हो गया। वो जो ट्रिप का वीडियो आपको बोल रहा था मैं, ये वीडियो भी हाँ पता है मेरे को, थोड़ा टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है पर वो उस टॉपिक पे भी आऊँगा, पहले अपना टॉपिक तो कंप्लीट कर लूँ। तो वो ट्रिप का जो वीडियो बोला था मैंने वो भी ज़रूर आएगा, अवश्य ही आएगा। थोड़ा उसको क्या है स्क्रिप्टिंग भी नहीं है, स्क्रीन प्ले टाइप समझो, थोड़ा उसको टाइमलाइन में अरेंज करने टाइम लग रहा है, थोड़ा वॉइस ओवर बनाना पड़ेगा, है थोड़े बहुत सीन, तो इसीलिए थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। अरे रे 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 मेन खुशखबरी भूल गया मैं, हाँ तो बाबा मेन खुशखबरी 10,000 सब्सक्राइबर्स मेरे जो है पूरे हो गए, वो खुशखबरी आपको देना ही भूल गया। बाबा इतना खुशी ज़िंदगी में बहुत कम ही हुआ, पता है मेरे को टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। 2017-18 का चैनल है, 5 साल लग गया 10,000 सब्सक्राइबर में, पर उसका एकदम ये नहीं है, कोई गम नहीं, अरे 5 साल लग गया बाकी लोग मिलियन बना लिए 4 महीने में, ना 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 ना, मेरे सब्सक्राइबर जो है ना बाकी सब्सक्राइबर्स के जैसा नहीं है, पता नहीं बाकी सब्सक्राइबर्स भी कैसे हैं, मेरे वाले तो मेरे को पता है एकदम मेरे ही जैसे ठीक है। बाबा का व्लॉग देखेंगे मतलब देख ही देखेंगे, ऐसा नहीं बाबा वीडियो नहीं डाल रहा है अनसब्सक्राइब मार दो, ना 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 ना, सब्सक्राइब रहेंगे, जब बाबा वीडियो डालेगा तब देखेंगे। धन्यवाद बाबा, सब आपका और महाकाल का कृपा है, ऐसे ही बरसते रहे, महाकाल का तो बरसते ही रहेगा, आपका भी बरसते रहे तो अच्छी बात है। धीरे धीरे फैमिली चैनल नहीं अपना परिवार जो है बड़ा होते जाएगा और वीडियोस भी बहुत सारे आते जाएंगे, टेंशन लेने का इसमें। ये ना हाँ, चौधरी मंगना भोसड़ी के दिन में ही दारू पी के रहते, अदर चुप फालतू बात कर रहा है क्या, उसको लग रहा है नॉर्थ इंडियन से आए, तो ये काय के लिए है ये नॉक्स।
वाह ये देखो सनसेट क्या सेक्सी हो रहा है। तो क्या है अब जैसे भी सीन है सनसेट हो ही रहा है तो यहीं पे बना देता हूँ। अभी मेरा खेत को गया नहीं, इधर से 200-250 मीटर है, अंदर है थोड़ा। ये देखो इधर गाड़ी है, इधर से उधर है खेत पीछे। अब उधर जाने तक सनसेट हो जाएगा, फिर वीडियो बनेगा नहीं, वो मतलब का बात नहीं है। तो इधर मेनली 2-3 पॉइंट है, वो 2-3 पॉइंट आपको बता देता हूँ मैं। हेलमेट निकाल दे तेरे को। हाँ बाबा, तो 2023 और 22 का आप NS200 पल्सर NS200 या 135 160 जो भी है, 125 तीन मॉडल है, 125 160 और 200 जो भी ले रहे हो, तो तीनों में मोस्टली ये सारे प्रॉब्लम्स कॉमन है। पहला जो मेन प्रॉब्लम है जो हर किसी को दिक्कत देता है वो तो माइलेज का है। अब माइलेज क्या है, 125 और 160 में ज़्यादा दे रहा है। मैंने सुना, थोड़े बहुत लोग मैसेज भी किए, NS200 जो नया वाला वर्जन है तो उसमें माइलेज थोड़ा कम दे रहा है, माइलेज कम दे रहा है और थोड़ा ब्रेकिंग में भी प्रॉब्लम आ रहा है। ब्रेकिंग फ्रंट व्हील में नहीं आ रहा है प्रॉब्लम, ब्रेक रियर व्हील में आ रहा है। या तो ब्रेक कैलिपर्स बिगड़े हुए हैं या डिस्क का कुछ प्रॉब्लम है, सेंसर का भी कोई इशू हो सकता है। सेंसर का तो नहीं होगा क्योंकि रियर व्हील में कोई ऐसा सेंसर नहीं है, क्योंकि ABS नहीं है और सेंसर भी नहीं है। अभी नया 200 में शायद डुअल चैनल ABS आ गया तो पता नहीं, अभी के लिए तो नहीं है। तो पहला तो माइलेज हो गया, फिर ब्रेकिंग का हो गया, और थर्ड इशू जो आ रहा है आपको गाड़ी पे दिखा देता हूँ। थर्ड इशू देखो, इग्निशन मैं चालू किया, ये 4000 RPM तक पिकअप का बहुत इश्यूज हो रहा है। 4000 के बाद जो है एकदम स्मूथली चलने लग गया। वो 4000 तक ही क्या उसका लफड़ा है वो सब नहीं पता है ना। नहीं पता है लफड़ा नहीं पता, मतलब उसका रीज़न वही हो सकता है या वो नहीं भी हो सकता है। तो वही जो मेरा सब्सक्राइबर बताया था कि वो प्रॉब्लम है भाई, उस पर वीडियो बना दो, तो ले भाई तेरे लिए बना रहा वीडियो, तेरे लिए नहीं अपने लिए भी। और बाकी बहुत सारे लोग जो नया गाड़ी ले लेते हैं और गाड़ी बंद पड़ गया, पिकअप इश्यूज हो रहा है, तो हो सकता है ये वाला सेंसर में आपका भी प्रॉब्लम हो, तो जाके चेंज करवा लो। या चेंज करवाने से अच्छा है आप जब शोरूम से गाड़ी ले रहे हो तो अच्छा रेव करके देखो, ज़्यादा रेव मत करो, 10,000-9,000 RPM पे रेव मत करो, थोड़ा आइडलिंग पे रखो तो पता चल ही जाएगा। गाड़ी 3-4 मिनट के बाद बंद हो गया तो पता चल जाएगा। वो सेंसर का नाम है TPS सेंसर, थ्रॉटल पोजिशनिंग सेंसर। ये फ़ोटो आप देख लो, ऐसा कुछ सेंसर दिखता है, वो थ्रॉटल पोजिशनिंग सेंसर। मेन जो थ्रॉटल रहता है ना, एक्सेलेरेशन थ्रॉटल जो है वो मेन लिंकड उसी के साथ रहता है। अगर वो सेंसर में कोई प्रॉब्लम आ गया तो समझो आपके एक्सेलेरेशन में और थ्रॉटल में प्रॉब्लम आ गया। अब सेंसर में ही गड़बड़ी है और आप रेस कर रहे हो या गाड़ी चालू भी रख रहे हो 2-3 मिनट आइडल में, तो गाड़ी या तो बंद पड़ जा रहा है या पिकअप इश्यूज आ रहा है 4000 RPM तक। वही इसीलिए बोला मैं, पिकअप इश्यूज शायद हो सकता है वो सेंसर से आए, या शायद ऐसा भी हो सकता है नहीं भी आए, तो वो थोड़ा ध्यान में रखो। आप वो सेंसर आप चेक करवा लो, अगर आप फिर भी आपके पहचान वाला शोरूम का है तो आप बोलो खोलो भाई खोलो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, खोल के एक बार चेक कर ले सेंसर ठीक है नहीं है। 500 रुपये का सेंसर है, 500 रुपये का सेंसर इम्पॉर्टेंट नहीं है, सॉरी 500 रुपये इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप कहीं राइड पे गए, आपका TPS सेंसर ख़राब हो गया, गाड़ी आपका लैग हो रहा है, बंद पड़ रहा है, तो फिर लफड़े मगजमारी के काम है, वो सब करने का नहीं, उसमें जाने का नहीं। हाँ, तो चौथा प्रॉब्लम है वो ब्रेक्स का ही है, पर ये थोड़ा ABS का प्रॉब्लम है, ABS सेंसर का प्रॉब्लम। अब ABS सेंसर कहाँ होता है आपको दिखा देता हूँ। ये आपका कैलिपर है, डिस्क कैलिपर, तो ये डिस्क कैलिपर के नीचे ये जो वायर दिख रहा है ना, ये ABS सेंसर वायर है। अगर इसमें थोड़ा भी कटाव हुआ, कहीं मुड़ा हुआ हुआ, या फिर मेरे को एक बंदा मैसेज भी किया कि उसका ABS सेंसर निकला हुआ था, ये वायर आपका अगर निकला हुआ रहेगा तो ABS काम नहीं करेगा, आप मिट्टी में भी स्किट करेगा। ये वायर एक बार चेक करवा लो, क्योंकि इधर से ये अंदर चले जाता है, दिखता नहीं है। जब वायर दिख नहीं रहा है तो आपको पता नहीं कि वायर कटा है नहीं कटा है, थोड़ा कभी भी लॉन्ग जा रहे हो तो एक बार चेक करने में क्या जा रहा है। वो ब्रेक ऑयल इंजन, उस पर बहुत अलग अलग वीडियो है, बहुत सारे NS के वीडियो है, आप मेरे चैनल खोलो, प्लेलिस्ट में तो नहीं है शायद NS के वीडियोस, देखो मिल जाएंगे अगर टाइम निकाल के। NS का जो ट्यूटोरियल्स है या कोई भी टिप्स विप्स है उसका सेपरेट प्लेलिस्ट बना के रखूँगा, वो आप देख लेना। अभी देखो बाबा टाइम भी आधा दूर दिखता है, हट रे 6:10 हो रहा है, अभी 1-10 मिनट है, सनसेट भी हो जाएगा। वो शंभू के लिए पत्री लेके जाना है, पत्री मतलब बिलवा पत्र लेके जाना है, तो अभी खेत को जाके बिलवा पत्र लेके रखूँगा, कहाँ वो भी नहीं पता हो।
वो जब से हैंडल कार्ड डलवाया ना, हैंडल कार्ड नहीं नकल कार्ड जब से डलवाया ना, कुछ सामान एन एस पे लेके नहीं जा सकते। टॉप बॉक्स का जुगाड़ तो करना पड़ेगा, टॉप बॉक्स थोड़ा ओवर कॉस्टली है, देखेंगे पेमेंट आएगा तो ज़रूर लेंगे। हो गया बाबा, आज का वीडियो इतना ही था। मेरे को राइड करे हुए भी बहुत दिन हो गया, गियर पहन के हेलमेट पहन के, तो थोड़ा बहुत मज़ा भी आया, वीडियो भी बन गया। आपका भी फ़ायदा, मेरा भी फ़ायदा ही फ़ायदा, क्या बोलते हो, सही है ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, शायद बहुत जल्द आ सकता है, थोड़ा बहुत कुछ चल रहा है सीन, अभी बता नहीं सकता हूँ, सीन पहले ही बता दूंगा फिर बाद में स्कैम हो जाएगा, वो बोल नहीं सकता, आप मेरे पे दोष दोगे फिर। ठीक है बाबा, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लिव लाइफ इन पीस, पीस आउट, जय महाकाल, हर हर महादेव। देखो बाबा, एकदम शुद्ध सन्नाटे हाईवे पे कैसे ये लाइट दिखता है, ये लोअर है देखो, अपर एक बार डाल देता हूँ आप लोगों के लिए, ये लो अपर, एक नंबर, लोअर ही सही है। चलो जय श्री महाकाल।